कृष्णा एवरीवन, जय गुरुदेव री सा, राधे राधे। हमारे आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग टाइम और मौसम तो देख ही लिया कितना गजब हो रखा है और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और आज है श्रावण का दूसरा सोमवार। तो बस मैं भी फटाफट से हमारा जो घर का मंदिर है उसमें पूजा कर लेती हूँ और आप लोग भी बने रहना आज के ब्लॉग में। पूजा तो मैंने कर ली और अभी हम लोग बना रहे हैं लंच। तो आज लंच में बन रहा है दाल बाटी। तो दाल तो बन चुकी है, मासी ने बना दी, अब मैं लगाऊंगी ये बाटी बनाने के लिए आटा। तो फटाफट से पहले आटा लगा रही थी क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो बाटी तो मैंने यहाँ पे सारी बना के रख दी है, अब इन्हें सेकने का काम मासी करेगी क्योंकि मैं अब करूँगी यहाँ पे ये थोड़े से जो बर्तन है वो क्लीन। और बाहर तो बहुत ही तेज मूसलाधार बारिश आ रही है और यहाँ पे हमारे मासी जी ने थोड़ा सा पुदीना भी लगा रखा है क्योंकि चटनी बनाते ना तो ताज़ा ताज़ा मासी तोड़ती रहती है इसमें से। और यहाँ पे हमारे मासी जी बाटी सेकने भी लग गए। तो फिलहाल मासी जी तो हमारे बाटी सेक ही रहे हैं, अब मैं कपड़े सुखाऊंगी क्योंकि मसीन ने कपड़े धो दिए हैं और आज भी मुझे सारे कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ेंगे क्योंकि बाहर तो सुबह से कंटिन्यू बारिश आ रही है। अब इनमें से जो सूखे हुए होंगे उन्हें हटाऊंगी, उन्हें डालूंगी फैन के नीचे और डोरियों पे आज वाले कपड़े डाल देती हूँ। फिलहाल कपड़े तो मैंने सारे अंदर ही सुखाए, ये बाहर झिरमिर झिरमिर बारिश तो आ ही रही है। तो मैं जैसे ही कपड़े सुखा कर नीचे आई तो मुझे पता चला कि आज हमारे भारती बहन है वो नहीं आने वाले क्योंकि मासी के पास में फ़ोन आया। तो मासी ने बाटी भी सेक दी और साथ में झाड़ू भी निकाल दिया। अभी मैं फटाफट से मासी पोछा लगा दूंगी। तो फिलहाल हो चुका है अभी रेस्ट टाइम, अब मैं थोड़ी दूर रेस्ट करूंगी और आज हमारे बाईसा के यूनिट टेस्ट भी पूरे हो गए ना। हाँ। टेंशन फ्री अब। हाँ। एक महीना तक, एक महीने बाद में वापस से होंगे ना किसु। तो बस मैं तो अब बिग बॉस आज देखने वाली हूँ नहीं क्योंकि मैंने कल देख लिया था। तो अब मैं फोन दे देती हूँ किसु बाईसा को, ये कुछ देखेगी इसका और मैं थोड़ी दूर रेस्ट कर लूंगी। तो शाम हो गई और यहाँ पे बनने लग गई हमारी चाय जिसे बना रही है हमारे मासी जी। तो मैं और मासी अभी जा रहे हैं मंदिर क्योंकि सावन का सोमवार भी है और मैंने और मासी ने दोनों ने फास्ट कर रखा है। तो हमने सोचा शंकर भगवान के दर्शन करके आ जाते हैं। तो हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं माया केदारेश्वर महादेव। मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रखा है पर बारिश नहीं आ रही है। मासी कितना अच्छा लिखा हुआ है, मानव सेवा मतलब प्रभु सेवा। तो फिलहाल दर्शन करके हम लोग आ गए घर पे, दियाबत्ती का भी टाइम हो गया तो मम्मी ने घर पे दियाबत्ती कर दी है और हमें अच्छे से दर्शन भी हो गए क्योंकि अभी इतनी भीड़ नहीं है। यहाँ का जो श्रावण मास है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए भीड़ कम थी
और बारिश भी रुकी हुई थी इसलिए अच्छे से दर्शन हो गए। फिलहाल मंदिर जाने से पहले हम लोग मेथी की सब्जी बना के गए थे और साथ ही में आटा भी यहाँ पर लगा के रख दिया था। तो फिलहाल मासी अब बनाएगी चपाती और मैं थोड़े बहुत जो कल के कपड़े हैं वो सूखे हुए हैं वो लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि आज के तो बिल्कुल सूखे ही नहीं होंगे, पूरे दिन बारिश थी। तो किसू भी ट्यूशन से आ गई और मेरे भी जो कपड़े आयरन करने थे वो मैंने कर लिए। मासी अच्छे से दर्शन हो गए ना, बारिश नहीं आ रही थी इसलिए। अब फरारी सेवड़ा खा ले, मुझे तो भूख लग गई थोड़ी। आम पड़े, आम पड़े। आम नहीं खाऊंगी, नहीं वो मैं तो वही सेवड़ा ही खाऊंगी। अब दूध बनाओ किसू, चल तू भी खाना खा ले, ये बाद में कर लेना होमवर्क स्कूल का। तो फिलहाल फरारी सेवड़ा तो खा लिया, अब ये पेरू भी खा ही लेती हूँ। भूख लग गई थी क्योंकि 2 बजे खाना खाया था और अभी 9 बजी है, तो थोड़ी सी भूख लगी थी इसलिए खाना पड़ा। और हमारा किचन का भी सारा काम फ्री हो चुका है, बर्तन भी क्लीन कर दिए। यहाँ पे मैंने कल के लिए थोड़े से चने भी भिगो दिए, और ये चने मैंने इसलिए भिगोए क्योंकि सृष्टि को भिंडी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो बिल्कुल भी भिंडी नहीं खाती है। वो भिंडी क्या, वो तो ज़्यादातर सब्जियाँ खाती नहीं है, पता नहीं उसे पसंद ही नहीं आती है, तो चने वो खाती है, तो मैंने सोचा चलो आज थोड़े से चने भी बोल देती हूँ। तो बस इसी के साथ में हमारे आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो फिलहाल अभी बारिश भी रुक चुकी है, लेकिन बारिश को अभी नहीं रुकना चाहिए, बारिश को रात को तो आना चाहिए, दिन में रुकना चाहिए ताकि कपड़े अच्छे से सूख जाए। और ये भी अपनी जगह पर आकर बैठ गया आराम से।